हेलो एवरीवन दिस इज शिवांगी वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम एसी जीरो जीरो फोर के आपका सेकंड ईयर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ इन क्वेश्चंस के अलावा आप जितना भी सिलेबस कवर कर सकते हैं वो भी आपको करना है क्योंकि हमेशा एक ना एक कमेंट ऐसा ज़रूर आता है पूछते हैं मैम आपके जो आपने जो क्वेश्चन बताए हैं वो अगर हम कर लें तो पास हो जाएंगे तो भाई मैं गारंटी नहीं लेती कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे आते भी हैं और कई आ, सब्जेक्ट में नहीं भी आते हैं एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आता है जैसे इस बार एम 106 का आया था तो इसलिए अपनी तरफ से भी तैयारी करके चलें तो पहला क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बताना है आपको एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस में और मार्केट सेगमेंटेशन हाइपोथेसिस में और एक चीज़ और कि जितनी भी वीडियोस अपलोडेड हैं अभी तक किस भी सब्जेक्ट की वो 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 क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है न्यू एग्जाम में तो वो एक भी वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है ये क्वेश्चन तो करना ही है पहले वो सारी वीडियोज अच्छे से कर लो फिर ये क्वेश्चन और इसके बाद जितना आपके पास टाइम बचे फिर जो इनके अलावा आपको लगता है कि हाँ भाई ये मुझे टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप कवर कर लेना एग्जामिन करना है आपको कि क्या नी, नी, नीड और जो रोल है डिपोजिटी सिस्टम का सेकेंडरी फाइनेंशियल मार्केट में कॉम्यूटिटी फ्यूचर मार्केट क्या उसके फंक्शन बताना है मोदी ग्लानी मिलर हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करना है फ्लो ऑफ फंड मैट्रिक्स ऑफ अ कंट्री काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करना है नेचर ऑफ फ्यूचर एज एन इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव और ये किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है रिलेशनशिप बताना है आपको मनी सप्लाई इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट के बीच में फिशर हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करके फंक्शन बताना है मर्चेंट बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक के डिस्कस करनी है मार्कोविस्ट पोर्टफोलियो थ्योरी और आपको एक्सप्लेन करना है कैसे आर्बिट्रेज प्राइजिंग थ्योरी डिफरेंट है किससे मार्कोविज थ्योरी से और कैपिटल सेट प्राइजिंग मॉडल से डिस्टिंग्विश करना है आपको Uh, किसके बीच में मार्को एक्सपेक्टेशन एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन और रैशनल एक्सपेक्टेशन के बीच में से भी और उसके फंक्शन इसकी वीडियो तो आपको मिल जाएगी हाउ एक्सपोस्ट रिटर्न और जो एवरेज रिटर्न है सिक्योरिटी में कैसे कैलकुलेट होता है और जो बेसिक मीजर है एक्सपोस्ट रिस्क के वो क्या है वो बताना है आपको यहाँ पे क्या सेस करना है सुटेबिलिटी किसकी लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल की किस में क्रेडिट रिस्क में ऑप्टिमम करेंसी एरिया का क्या मतलब है और कैसे काम करता है एक्सप्लेन करना है आपको डिसीजन मेकिंग किसके अंदर अनसर्टेनिटी के अंदर और फीचर्स बताना है यूटिलिटी फंक्शन के किसके अंदर अनसर्टेनिटी में एक्सप्लेन करना है मेन फीचर किसके सेकेंडरी मार्केट स्ट्रक्चर के इंडिया में और प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन जो उसको ऑपरेट करते हैं एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन बताना है और उसके प्रॉपर्टीज़ मिल्टन फ्रेडमेन मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताना है उसको कंपेयर करना है केंज थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी से केंजियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एक्सप्लेन करना है मेकलोय का ड्यूरेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट और कैसे ब्रॉन ट्रेडर जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग में डिस्टिंग्विश करना है आपको किसके बीच में फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और एक्सप्लेन करना है बानवे ऑप्शन प्राइजिंग मॉडल को डिस्कस करना है आपको डेप्ट और इक्विटी को कैसे एज अ रेजिंग रेज करते हैं फाइनेंस बाय फार्म इन दी कैपिटल मार्केट और किसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है आपको मोदी गिलानी मिलर हाइपोथेसिस के अचीवमेंट और फेलियर बताना है ब्रेटन फूड सिस्टम तो ब्रेटन फूड सिस्टम को आप जीरो जीरो सेवन की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं मैं इसमें भी ऐड कर दूंगी एग्जाम इन द केस फॉर गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट डू यू थिंक दट गवर्नमेंट शूड रेगुलेट कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल असेट क्या है उसके थ्री अप्रोच बताने रिस्क एसोसिएट जो जो होता है फाइनेंशियल असेट से डिफरेंस ये चार डिफरेंस है इन्हें आप कर लेना बाकी कुछ डिफरेंस जो है उनकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट शयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू